अस्सलाम वालेकुम। आज देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ अंडा भाजी। अंडा भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 अंडे लिए हुए हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च लिए हुए हैं जिन्हें मैंने बीच में से इस तरह से कट कर लिया है। तो अब मैं इसे साइड में रखती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे देखिए भाजी जो है अच्छे से कट कर ली हूँ। भाजी को कट करके पानी में अच्छे से धोने के लिए मैंने डाल दिया है। तो अभी चलिए, सिंपल और इजी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। तो अभी मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इसमें मैंने तेल ऐड कर दिया है। तेल को मैं हल्का सा गर्म होने दूंगी। तो चलिए सबसे पहले तेल को गर्म होने देंगे और थोड़ी सी प्याज, जो प्याज मैंने रखी हुई थी। ये ज़्यादा इसमें चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान से ही पक जाएंगी। 3 से 4 मिनट में हमारी भाजी जो है वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है और जल्दी पक जाएगी। ये देखिए, प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, ज़्यादा गोल्डन कलर करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा भून लेना है। अभी देखिए इस तरीके से चलाते हुए भून लूँगी मैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगता, अगर कोई पहली बार बना रहे हैं तो भी बना सकता है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ें ऐसी है ही नहीं कि आपको याद ना हो, आप बिसर जाए या फिर डाल नहीं सकते। तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, प्याज और हरी मिर्च और अंडा। जिसको पसंद है वो डाल सकते हैं, जिसको नहीं पसंद है इसे वो नहीं डाल सकते। तो मैं अब इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। हरी मिर्च को भी मैं जो है अच्छे से तल लूँगी। अंडे बगैर भाजी भी आप चाहे तो इसी तरीके से बनाकर खा सकते हो, या हर कोई खा सकता है। अगर से आपको कुछ फल मीन्स खोपरा ऐसी चीज़ों से एलर्जी है या फिर आप परज हैं, तो कोई भी ये हर एक प्रेग्नेंट लेडी हो, मतलब कोई हर शख्स खा सकता है, बच्चे हो। इसमें अंडे होंगे और भाजी होगी, ज़्यादा मसाले नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसका टेस्ट जो है लाजवाब होगा। एक बार इस तरीके से ज़रूर आप बनाकर देखिए। ये देखिए प्याज जो है हल्के से कलर चेंज हो चुकी है। अब मैं इसमें भाजी ऐड कर दूंगी। गैस की फ्लेम को मैं स्लो कर लूँगी और भाजियों का सारा पानी जो है निचोड़ते हुए हमें डालना है। इसमें कुछ पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भाजी बहुत ही सॉफ्टली गल जाएगी। तो अब मैं सारा पानी जो है छानते हुए भाजी को ऐड कर दूँगी। बिल्कुल से बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, आप में से कितने लोगों को अच्छी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान रेसिपी तो मुझे जहाँ तक पता है कोई होगी ही नहीं, क्योंकि सिंपल वाली है, बनने में बस 5 मिनट लगते हैं और इसमें ऐसे कुछ चीज़ें भी नहीं है कि आपको भूल जाए ऐसा। तो बिल्कुल बढ़िया, ये 5-6 मिनट में बन जाएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैंने सारे पानी को जो है छानते हुए इस तरीके से भाजी को ऐड कर दी हूँ। देखिए ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, बस 5 मिनट में ही आप इसे बना सकते हो। अभी मैंने सारी भाजी को जो है ऐड कर दिया है। अभी मैं इसे देखिए मिला लूँगी एक बार, क्योंकि अगर मिले बगैर ही छोड़ेंगे ना तो प्याज नीचे रह जाएगी और जल जाएगी। तो एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स लेंगे। ये जो धोया हुआ पानी है बस उसी में पक जाएगी, इसमें कुछ पानी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सभी को पता है कि भाजी बहुत जल्दी पकती है, जो बच्चे भाजी नहीं खाते उन्हें आए एक बार आप इस तरीके से बना कर खिलाइए, ज़रूर खाएंगे। चलिए तो भाजी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए नमक मैं अभी ऐड नहीं करूँगी और 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिला लूँगी। ये भाजी जितनी दिखती है उतनी बनती नहीं है, इसका क्वांटिटी जो है कम हो जाता है पकने के बाद। तो 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि इसकी क्वांटिटी जो है अच्छे से थोड़ा सा कम हो जाए, बाद में इसका सही गेस्ट लगेगा और सही नमक लगेगा। अगर आप पहले जब मैंने ऐड की थी तो आपने देखा कि बर्तन फुल हो गई थी, अभी देखिए दब गई है, अभी ये पकने के बाद और थोड़ी सी दब जाएगी, तो भाजी जो है ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए 1 मिनट भून लेंगे तेल में, थोड़ा सा
बाद में हम जो है इसमें नमक ऐड करेंगे। देखिए गैस को हाई फ्लेम पे कर ली है मैंने, अभी एक मिनट के लिए चला लूँगी। ये देखिए भाजी की क्वांटिटी जो है कम हो चुकी है ना, तो अभी मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले, भाजी में ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये देखिए मैंने हाफ़ टी स्पून लिया हुआ है, ये बिल्कुल छोटे वाले चम्मच से मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है बस। भाजी वाली चीज़ों में न वैसे भी नमक होता है भाजियों में, तो आप नमक का ध्यान रखते हुए डालिए, थोड़ा सा ही डालें। अब मैं इसे एक बार अच्छे से मिला लूँगी। देखिए अब मैं इसे रखूँगी, गैस की फ्लेम को जो है मीडियम कर दूँगी और एक मिनट के लिए मैं इसे ढक के रखूँगी, एक से दो मिनट के लिए, ताकि ये भाजी में जो है अच्छे से पक जाए। तो चलिए मैं एक मिनट के लिए इसे ढक कर रखती हूँ, गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। चलिए एक दो मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारी भाजी जो है अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए कितनी क्वांटिटी जो है कम हो चुकी है, तो इसमें भाजी का सारा वाटर जो है निकल चुका है। देखिए मैंने कुछ भी पानी ऐड नहीं किया था, बस भाजी धोकर डाली थी ना, तो ये पकते साथ ही सारा वाटर जो है इसका निकल चुका है। तो मैं गैस की फ्लेम को जो है हाई पे कर लूँगी। अब ये जो भाजी है गल चुकी है, अब हमें इसे ये जो वाटर है इसे सुखाना है, इसे छानिए वानिए कुछ नहीं करिए, क्योंकि इसका टेस्ट जो है चला जाएगा, इसलिए तो हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे रखते हुए बस एक दो मिनट के लिए हम चलाएंगे इसे। हाई फ्लेम पे रख के एक दो मिनट से भूनने से क्या होगा, ये सारा पानी जो है अफजल हो जाएगा, इस तरीके से जिर जाएगा, तो इसका टेस्ट ऐसे ही रहेगा। अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा जल्दी करेंगे, ये सिंपल वाली चीज़ में भी आप एक दो मिनट सब्र नहीं किए हुए इसे छान देंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे, तो इसका टेस्ट जो है बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये वाटर में जो है इस भाजी का पका हुआ सारा टेस्ट होता है एक्चुअल से, ये भाजी जो है इसमें गली है ना, तो इसलिए। तो एक दो मिनट के लिए आप चलाते रहेंगे बस, आपको ये पानी जो है वक्त नहीं लगता, बहुत जल्दी जल जाएगा। इस भाजी बनाने में आपको एक ही चीज़ का हिसाब रखना है बस, मिर्च। आप हरी मिर्च जो है अपने हिसाब से ले लीजिए। ये देखिए मैं अभी आपको जैसे बता ही रही थी, पानी जो है वैसे भी कितना कम हो चुका है, बस एक हिस्सा पानी है। अभी इस पानी को भी हम मिक्स करते हुए अच्छे से सोख लेंगे, बाद में हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। ये देखिए अच्छे से दो मिनट फ्राई करने के बाद जो है हमारी भाजी में सारा पानी जा चुका है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बस दो मिनट वेट करने के बाद है। अगर आपको वो दो मिनट भी वेस्ट नहीं करनी है, तो एक आसान तरीका ये भी है, मैंने भाजी को धोते ही फौरन से हाथों से छान कर डाला था, तो इसलिए पानी निकला। तो आप पाँच मिनट पहले ही भाजी को धो लीजिए और किसी झिल्ली वाली बर्तन में छान के रख लीजिए, सारा पानी निकल जाएगा और इतना पानी भाजी में नहीं आएगा, तो बिल्कुल और भी जल्दी बन जाएगी। मैंने यहाँ पे पाँच मिनट बताया था, आप छान के रख लेंगे तो दो ही मिनट में बन जाएगी। तो चलिए अब जो है सारा पानी जो है जिर चुका है, अब मैं इसमें इस तरीके से थोड़ी जगह बना लूँगी। अब मैं इसमें सेंटर में जो है अंडे ऐड कर दूँगी। नमक जो है हमें अंडों के हिसाब से मिला कर भी ऐड करनी है, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और अंडे को ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे चार अंडे लिए हैं, आप अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए ऐड कीजिए। वैसे ये मुर्गी के अंडे हैं, हमारे पास मुर्गियाँ हैं ना, तो उसके अंडे हैं, इसलिए मैंने चार ऐड किए हैं। अगर आपके दुकान वाले अंडे हैं तो आप दो भी ऐड करेंगे तो बराबर हो जाएगा, ये छोटे छोटे होते हैं ना, तो इसलिए मैंने चार ले लिए। तो अभी अंडों को जो है मैं अच्छे से मिला लूँगी एक बार। ये देखिए ज़्यादा नहीं हिलाना, बस एक बार अंडा भाजी में मिल जाए बस, इस तरह। अभी मैं एक मिनट के लिए ढक कर रखूँगी प्लेट को, मीडियम फ्लेम पर रखूँगी, अंडा बहुत जल्दी कुक हो जाता है ये तो सभी को पता है, तो मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। अब एक मिनट के लिए ढक,
चलिए एक मिनट हो चुका है, बस एक ही मिनट के लिए रखिए क्योंकि अंडा जो है बहुत जल्दी कुक हो जाता है। ये देखिए अब इसको जो है मैं एक बार मिला लूँगी। देखिए एक मिनट के लिए रखा तभी अंडा जो है अच्छे से पक चुका है। अब जो है मैं इस अंडे को और भाजी को अच्छे से मिला लूँगी एक बार इस तरीके से। गैस की फ्लेम को जो है मैं हाई पे रखूँगी और अच्छे से इस भाजी और अंडे को टॉस कर लूँगी ताकि तले ना जले। इसलिए अब मैं अच्छे से इस तरीके से मिला ली हूँ से। ये देखिए हमारा अंडा भाजी बनकर तैयार है, बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा कोई मसाले नहीं, कुछ नहीं, हेल्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। हेल्थ वाइज ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि हमने इसमें कुछ मसाला ऐड नहीं किया है, बिल्कुल सारी सारी भाजी है। अगर कुछ बच्चे भाजी नहीं खाते तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए एक मिनट के लिए मैंने अच्छे से इसे मिलाते हुए हाई फ्लेम पे भून लिया है। हमारी भाजी जो है बिल्कुल तैयार। अब मैं करूँगी गैस को बंद। अब आपको इसे सर्व करके बताती हूँ कि कितनी बढ़िया बनी है हमारी भाजी। देखिए भाजी को मैंने सर्व कर लिया है, बिल्कुल 2 ही मिनट में कितनी बढ़िया भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी भाजी कैसी बनी।